तो हम लोग उसी में है कि अभी करेगा क्या फसल बख्श, हमें पता कुछ करेगा हिसाब से, उसको और पहले कर देना चाहिए था कुछ, सिंस वो इतने ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके लिए दाएं हाथ का खेल है कि ना कुछ भी सेटिंग करा दे, बाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है, जो भी हाथ, लेकिन उसके लिए इट इज वेरी इजी कि वो कहीं पे भी उसको सेट करा दे, अभी करवाएगा है भाई। एंड काफी इंटरेस्टिंग, आई थिंक अभी जाके जब इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, तो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट होगा जब वो लोग उसको लंदन में मिलने जाएंगे। ओह गॉड, नहीं बट इसने बोला ना कि मैं लंदन से आज ही आ गया हूँ, हाँ लंदन, आई थिंक वो अपने घर पे बता देगा कि वो आ चुका है, आई थिंक सो, हाँ हिसाब से अगर बताएगा फिर तो फंसेगा ही फंसेगा फॉर श्योर, कॉमेडी हो जाएगा लेट्स स्टार्ट। फजल बख्श सुकैना दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से नॉक कर रही हूँ कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। परेशानी में आ रहा तो समझ रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो कमजोर निकली बहुत, इतनी सी बात पे कौन रोता है, हैं? तय फजल भाई, मैं और जुहेब ना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती, हम आंखों से एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और इसलिए आज मैंने जान लिया है कि सब खत्म हो गया। नहीं, मेरे बाप की जिद ने मेरी मोहब्बत को मार डाला, और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना आता है, मैं ये तो नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सच कहूं मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं तो फंस गया हूं यार, ना भाग सकता हूं ना बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी का कंट्रोल मेरे पास है, इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे बस 2 दिन दे दो, 2 दिन के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू, बस इन 2 दिनों के अंदर मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूं प्लीज वैसे ही करना, ओके? खुश रहो यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फजल बख्श ने पता नहीं क्या दम दरूद करके फूका है कि सुकैना बिल्कुल आराम से माँ के साथ सोई हुई है, पता नहीं उसने क्या कर दिया। शिप्रा मुझे लगता है ये जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है, मौलाई। मौलाई वो क्या होता है? ऐसे लोग ना दिल के बहुत खालिस होते हैं, वेरी प्योर एट हार्ट, मतलब ये जो दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो मांगते हैं, उसमें कुदरत के बहुत सारे करिश्मे छुपे हुए होते हैं।
आज शिप्रा, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे फजल बख्श पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो हो गई है, लेकिन बाबा आप उसका जर्श देखें। पता नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बाबा का थप्पड़ खा के सटिया तो नहीं गए? तो कहने लगा सटिया तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हें अभी नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने पहले कहा, फजल बख्श पक्का मौलाई है। नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था। सच वही होता है, लेकिन मैं वक्त पे समझ आता। जब से मिली तू दिल को यकी है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सजा में होता है ना। फजल बख्श, फजल बख्श। जी सर। क्या वो सो रहे थे क्या? नहीं सर, वो गांव जा रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा था सर, इसलिए वो आवाज नहीं आई। जिसम से पहले दिमाग वहां पहुंच गया। हुक्म करें सर। गांव जा रहे हो अचानक, सब खैरियत है? सर दरअसल आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर, मुनासिब नहीं लग रहा सर, आप पता नहीं क्या समझोगे। पहले मत बुझवाओ फजल बख्श। सर ये जो आज हुआ है ना सर, सर ये बहुत गलत हुआ है सर, वाकई में सर मेरा दिल दुखा है सर। वो तो सर शुक्र है सर शिब्रा आ गई थी, उसने सुकैना को रोक लिया और जो जुहैब की माँ उसको रुखसत कर लिया, मगर सर बात गलत है, बहुत गलत बात है। लेकिन सर, लेकिन क्या सर, आपको क्या लगता है ये मसला यहीं खत्म हो गया? नहीं सर, सर आप मेरी बात का माइंड मत करना सर, माजरत के साथ सर, आपकी जो बहन है सर एक नंबर की लालची लेडी है। जी सर, सर आप ठहरे सर ईमान से भरे हुए अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान। सर ये जो मामला है ना सर, ये आपके हाथ से निकल चुका है अब, ये सच है सर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ सर, मैं चाहता हूँ अपनी बहन का घर बसवाऊँ, मगर सर 17 ग्रेड की नौकरी सर जुहैब की कदमों में कैसे ला के रख दूँ? मगर सर एक हल है मेरे पास सर, वो है मुर्शिद साईं कदर सर। जाऊंगा उनके घुटनों में बैठूंगा सर, क्या पता सर उनकी एक दुआ सर सुकैना घर आबाद कर दे सर। बड़े बड़े मसलों का हल है उनके पास, इसलिए सर आप बस परेशान नहीं होना, बस मैं जाऊंगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फजल बख्श तुम्हें याद है तुमने एक बार सफिया से क्या कहा था? क्या कहा था सर? केल्ला ने तुम्हारी शक्ल में हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हाँ सर, कहा था। जी सर। फजल बख्श मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना सर। जी सर।
अच्छा इंसान है यार। फजल बख्श, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी, फूल बिछाऊंगी, जहां जहां पे कदम जाएंगे वहां फूल होंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू, थैंक यू। और वो तुम्हारी जो मुर्शिद साई है ना, हाँ, उनको मेरा सलाम कहना।